हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रॉपर्टी द न्यू अवतार। सो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार यादव एज ए प्रॉपर्टी एजेंट। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इंडिपेंडेंट हाउस प्लान लेके आया हूँ। और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो कोठी लेके आया हूँ फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, और इसकी प्राइस की बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे, और ये कोठी किस तरह से बनी है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके, इसलिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइज, जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये 127 गज की कोठी है, यानी कि 127 स्क्वायर यार्ड की कोठी है ये। और फ्रेंड्स, इसकी जो लोकेशन है वो MS इनक्लेव में है, मात्र मेन रोड से ये 500 मीटर के डिस्टेंस में है। और गाइज, मैं अगर इसके डायमेंशन की बात करूँ तो जो प्लॉट का साइज़ है 21.5x54 का ये इसका डायमेंशन रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एंटर करते ही हमारा ये ड्राइंग रूम आ जाता है। सो गाइज, ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम है, और हमारा ये जो है काफ़ी कंप्लीट हो चुका है ये मकान, और फॉर सेल के लिए अवेलेबल है ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें LED लाइट, फॉल सेलिंग और कबर्ड्स, ये सारा कुछ हम आपको इसमें लगा के देंगे। ये अभी कोठी तैयार हो रही है, इसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम है, और 1 से 1.5 महीने के अंदर हम आपको पूरी तरह से कोठी तैयार करके दे देंगे। डबल स्टोरी कोठी है। सो गाइज, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर पे जो है 2 बेडरूम है, और साथ में हम मॉडुलर किचन आपको तैयार करके देंगे, और साथ में ही हमारा ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम आ जाता है। सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हैं, किचन हमारा काफ़ी ओपन स्पेस में है, और ड्राइंग रूम का साइज़ आप देख सकते हैं, इसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। और किचन में अभी थोड़ा सा हमारा काम चल रहा है, कुछ रुका हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कबर्ड्स और कैबिनेट्स वगैरह हम सारा कुछ अभी बना चुके हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा है इसमें। सो गाइज, ये देखिए, आपका जो है फर्स्ट बेडरूम है, और फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूं फ्रेंड्स, तो 11x12 का ये हमने डायमेंशन दिया हुआ है। और इस बेडरूम के साथ भी आपको एक LED पैनल भी हम लगा के दे रहे हैं, और साथ में जो है ओपन विंडो है, और इसी के साथ अटैच आपको वॉशरूम तैयार करके देंगे। अभी हमने इसमें सीट वगैरह नहीं लगाया है, अभी इसमें टाइल्स का काम चल रहा था। आप देख सकते हैं, इसमें हम पूरी हाइट तक जो है आपको टाइल्स लगा के दे रहे हैं, और काफ़ी स्पेस है, वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा स्पेस निकाला है इसमें। और इस रूम में आप देख सकते हैं कि इसमें हम आपको AC की फिटिंग और कबर्ड्स, ये सारा कुछ हम आपको कंप्लीट करके देंगे, LED लाइट लगा के देंगे, फॉल सीलिंग लगा के देंगे। इसमें फॉल सीलिंग ऑलमोस्ट हमारा तैयार ही हो चुका है, और ये जो देख रहे हैं आप, LED पैनल भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करके दे रहे हैं। सो गाइज, ये जो आप बैक साइड में देख रहे हैं, ये एक ओपन स्पेस है, आप इसे एज ए वॉशिंग के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। वैसे वॉशिंग के लिए हमने फ्रंट पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस प्रोवाइड किया, 6 फीट का हमने फ्रंट वॉशिंग एरिया रखा है, जो कि फ्रंट बालकनी आती है हमारी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा एक दूसरा भी बेडरूम है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे हमारा 2 बेडरूम ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम है, और साथ में मॉडुलर किचन है। सो गाइज, मैं आपको ले चलता हूँ अपने सेकेंड बेडरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये सेकेंड बेडरूम है, आप देख सकते हैं कि जो डोर्स की हाइट है वो हमने पूरी हाइट पर रखी है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी हमारा काम हो चुका है, टाइल्स वगैरह लग चुके हैं इसमें, और सेम चीज़ भी आपको इसी में हम प्रोवाइड करके दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, LED लाइट है, फॉल सीलिंग है, और कबर्ड्स इसमें भी हम लगा के दे रहे हैं, साथ में आपको AC की प्रोविज़न हम करके दे रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप अपना AC लाइए और इसमें लगा दीजिए, क्योंकि हमने अंदर से इसकी सारी फिटिंग करवा दी है। वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कबर्ड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिशिंग का काम चल रहा है, और टाइल्स अगर आप देख सकते हैं, अच्छे हाइट के हमने इसमें टाइल्स यूज किया है। और गाइस, ये हमने आपको एक जो सेकेंड बेडरूम है, उस बेडरूम के साथ अटैच भी आपको एक वॉशरूम मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है। बाकी मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अगर आप अपने लिए कोई कोठी परचेज करना चाहते हैं, कोई इंडिपेंडेंट हाउस देख रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार इस साइट विज़िट करिएगा, मैं आपको एक्चुअल कोठी दिखाऊंगा, तो आपको ज़्यादा अनुभव मिलेगा देखने से।
और गाइस ये टू बेडरूम है। अब मैं आ गया हूँ किचन में, आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। ये ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का स्पेस आप देख सकते हैं। दो एंट्री हैं, दो तरह की एंट्री है, एक तो स्टेयर्स के साथ है, दूसरी हमारी फ्रंट से है। अगर मैं फ्रंट की बात करूँ, फ्रंट 25 फिट का आपका फ्रंट रहता है और ये देख सकते हैं आप स्टेयर्स है जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। सो गाइस अभी देखिए काम चल रहा है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का भी दिखा देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि रेलिंग लग चुकी है, स्टील की रेलिंग है इसमें, और हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। सेम लेआउट जैसा कि आपने देखा कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लेआउट है, सेम लेआउट प्लान हम जो है आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके आ रहे हैं, सेम उसी तरह से है। ड्यूल एंट्री है, एक आपकी बालकनी के साथ है, दूसरी आपकी ये स्टेयर्स के साथ है। सो फ्रेंड्स अभी मैं स्टेयर्स से इंटर कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये ड्राइंग रूम आ गया है और ड्राइंग रूम के साथ ही अटैच किचन है और सेम लेआउट प्लान है टू बेडरूम का ये जो है। और आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेम लेआउट है जैसा ग्राउंड फ्लोर पे है, वैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे तैयार कर रहे हैं। सेम चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग, एलईडी लाइट, वॉलपेपर और मॉडुलर किचन फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो गाइस ये था हमारा जो है 4 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस प्लान है। और ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये टेरेस पे जाती है, ओपन टेरेस है, अभी वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप उसमें और भी एक रूम एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं, एक रूम सेट, तो भी आप बना सकते हैं, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। जैसा कि लोगों का कहना है कि 127 गज की कोठी जो है काफ़ी छोटी होती है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं हमने कितनी अच्छी पार्किंग भी यहाँ पे छोड़ी है, कोई भी बड़ी गाड़ी यहाँ पे आराम से पार्क हो जाएगी। और गाइस टाइल्स की जो है ये सड़कें लगी हुई हैं, सड़कें बनी हैं हमारी। और अगर मैं इस सड़क की साइज़ की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये लगभग 35 फीट की हमारी जो है इंटरनल रोड है। और कोठी तैयार है, फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, MS इनक्लेव ढकोली जीरकपुर के अंदर ये कोठी है फॉर सेल के लिए। अगर आप कोठी देखना चाहते हैं तो आप एक बारी दिए गए नंबर पे आप कॉल जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।